नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। संघर्ष विराम का उल्लंघन, जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने दो पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए। तेजपा सांसद दिवाकर रेड्डी का विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर हंगामा और तोड़फोड़, विमानन कंपनियों ने लगाया प्रतिबंध। जेट विमान की जयपुर में आपात लैंडिंग, बाल बाल बचे 125 यात्री, नाम मात्र का बचा था ईंधन। 1993 के मुंबई बम विस्फोट में अबू सलेम समेत 6 दोषी, अब्दुल कयूम बरी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, नहीं हुई किसी नाम पर चर्चा। भारतीय उपमहाद्वीप में आईएस के लिए भर्ती करने वाले मोहम्मद शफी अरमार को अमेरिका ने घोषित किया विशेष वैश्विक आतंकवादी। एयर इंडिया के निजीकरण पर सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल, इसरो चला सकते हैं तो एयर इंडिया क्यों नहीं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर कमांडर जुनैद मट्टू समेत एक अन्य आतंकवादी मारा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, भंग किए शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर मामले में कश्मीरी पंडित भी अहम पक्षकार। सीबीआई अदालत में पेश हुए राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव। विराट कोहली ने कहा, श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले रोहित को आराम, सही निर्णय। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने गोल के मामले में वेन रूनी को पीछे छोड़ा। ये थी आज की खास खबरें, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।